बी तक, ठीक है। जब ए से बी तक हम लोग देखेंगे तो जब यहाँ से धारा चल रही है तो यहाँ पे देखेंगे धारा दो दिशाओं में भाग रहा है, यानी दो तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ से जब ये दो दिशाओं में जा रहा है तो यहाँ से कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। तो पहले यहाँ से हम लोग हल करेंगे किसको, ए व सी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। ए व सी समांतर क्रम में है, तो ए व सी कितना कितना है, 4 ओम व 4 ओम, ठीक है। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1/4। तो यानी यहां से क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 में तो एक बार, फिर 4 से भाग देंगे 4 में तो 1, ठीक है। यानी इसको जोड़ेंगे तो 2/4, ठीक है, या R बराबर निकालना होगा 1/R का होता है ना जी, 1/R। तो फिर इसके बाद यहाँ से जब R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2, यानी 2×4, R का मान कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब ये हम लोग को निकालना है A से B के बीच, लेकिन हम लोग निकाले कहाँ है, A व C के बीच। अब यहाँ से निकालेंगे A व B के बीच, ठीक है, A व B के बीच प्रतिरोध, ठीक है, ये किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये अब किसमें हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में होगा तो ये कितना आ जाएगा, पहला 2 ओम, ठीक है, और ये तो क्या है, 4 ओम, ठीक है। तो यहां से जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2+4, यानी क्या हो जाएगा, यहां से आता 6, यानी पहले का आंसर आ गया कितना, 6, ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकालना है, दूसरा नंबर का, ये पहला नंबर का हुआ था हम लोग का, दूसरा नंबर वाला जब हल करेंगे तो क्या बताना है, धारा का मान बताना है। तो यहां से R का मान देखा जाए तो 6 और V का मान कितना है, 6। तो यहां से धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V/K, यानी V का मान कितना, 6 और R का मान भी 6, भाग देंगे तो 1, यानी I बराबर कितना आ गया, 1, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया, 1। अब कितना निकालना है, A तथा C बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी B का मान निकालना है यहां से, ठीक है। तीसरा, यानी यहां से किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। तो जब B का मान निकालेंगे तो हम लोग को क्या क्या देखना है, वो देखो, सबसे पहले हम लोग देख रहे धारा, धारा कितने यहाँ है, 1 एम्पियर है, ठीक है। जब 1 एम्पियर की धारा है तो यहां से तो ये जब धारा फटेगी तो 1 एम्पियर में कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। जब 1 एम्पियर की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 एम्पियर इधर भी जा रही है, 1 एम्पियर उधर भी जा रही है, या आधा एम्पियर इधर आ रही है, आधा एम्पियर उधर आ रही है, ये तो हम लोग कह नहीं सकते। यानी लेकिन ये आ रही है, लेकिन सी के यहाँ जब पॉइंट पे आएगी तो 1 एम्पियर फिर मिल जाएगा, चाहे जितनी कितनी फटेगी, लेकिन यहाँ पे फिर पॉइंट आके मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ से धारा का मान क्या हो जाएगा, यानी धारा का मान का है, 1, ठीक है। फिर इसके बाद अब प्रतिरोध देख ले, किसका, ए व सी के बीच का प्रतिरोध हम लोग निकाले थे, कितना आया है, 2, यानी आर का मान 2, ठीक है। तो यहां से भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, आई का मान क्या है, 1 और आर का मान है 2, 1×2, ठीक है। यही ये तीनों आंसर हो जाएंगे, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। आप बोलो, अच्छा कहाँ पे नहीं समझ में आया वो बताओ।